हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णेंदु और आप सबका स्वागत है मेरे लव्स गार्डन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपने गार्डन में एक चेरी का प्लांट हो ऐसा कौन नहीं चाहता, और अपने ही प्लांट पर लाल लाल एप्पल की तरह दिखने वाली छोटे छोटे चेरी अपने प्लांट पर सजी हो ऐसा कौन नहीं देखना चाहता। लेकिन आप जब एक चेरी की प्लांट को अपने गार्डन में लगाते हो और उस प्लांट पर फूल तो आती है, लेकिन वो फूल खिलने के बाद सब झड़ जाते हैं और फूलों से फल नहीं बनते, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि चेरी प्लांट के फूल क्यों झड़ जाते हैं और फल क्यों नहीं बनते। तो फूल झड़ जाने के पीछे बहुत से कारण रहते हैं। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो चेरी का फूल आसानी से झड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरे प्लांट पर कितने अच्छे चेरी लगा हुआ है, तो आप चाहे तो अपने प्लांट पर बिल्कुल ऐसा ही चेरी ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, वैसे तो चेरी के बहुत से वैरायटी पाया जाता है, लेकिन ये जो चेरी है ये बारबाडोस चेरी है, और हमारी इस गर्मियों के देश में ये चेरी प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और फल भी देते हैं। लेकिन ग्रो करना तो आसान है, लेकिन फल लेने के लिए सही तरीके से ग्रो करना चाहिए, वरना ये फूल होगा लेकिन फल नहीं देगा। तो आज हम इस प्लांट की फूल झड़ने के पीछे जो जो कारण है उस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट की फर्टिलाइजर के बारे में। और हर फ्रूटिंग वाले प्लांट में मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बोन मील है, और ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हो ये हॉर्न मील है, और ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हो ये बनाना पील्स फर्टिलाइजर है। तो यहाँ पर हम फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे ताकि फूल आए और फूल से फल बन सके। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच बोन मील ले लिया है, और आधा चम्मच हॉर्न मील ले लिया है, और एक चम्मच हमने बनाना पील्स फर्टिलाइजर ले लिया है। आप इसके बदले में सिर्फ एक चम्मच बोन मील और एक चम्मच बनाना पील्स फर्टिलाइजर भी दे सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारा मिक्स करना हो चुका है, तो आप इसके बदले में केमिकल वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हो। आप आधा चम्मच डीएपी ले सकते हो और एक चम्मच म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हो 8 इंच या 10 इंच गमलों के लिए। फ्रेंड्स, अब इस प्लांट की गुड़ाई कर लेंगे। तो कोई भी फर्टिलाइजर देने से पहले प्लांट की गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन ध्यान रहे ये जो रूट है इसमें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना आपके प्लांट खराब हो सकता है। तो हमारा ग्रोइंग करना हो चुका है, अब इस फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइजर को हम इस पॉट की साइड से ऐसे डाल देंगे। तो अच्छे फर्टिलाइजर भी जरूरी है प्लांट पर फल लाने के लिए।
तो फ्रेंड्स, फूल झड़ने के पीछे और भी कारण हैं, जैसे कि फूलों पर फंगस लगना। तो फूल खिलने के बाद उस पर फंगस लग जाते हैं, उसके लिए आपको ये जो बेबी स्टोन देख रहे हो, ये फंगिसाइड है। आप इसके बदले में सैप फंगिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो बेबी स्टोन है ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप सैप या बेबी स्टोन 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर जब फूल खिले उस फूलों पर और प्लांट के पत्तों पर अच्छे से स्प्रे करिए, उससे फंगस लगना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप आते हैं तीसरे कारण पर। तो प्लांट में जब फूल खिलते हैं, आप देखा होगा फूल खिलने के बाद जब छोटे छोटे फूड बनती है तो उस पर बहुत सी चींटी लग जाती है और वो फूल को या छोटे छोटे फल को गिरा देती है। तो इन चींटियों को भगाने के लिए आप सबसे पहले एक सस्ता तरीका अपना सकते हो। तो ये है कपड़ा साफ करने वाला डिटर्जेंट। इसे 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर प्लांट पर स्प्रे करिए तो चींटियाँ भाग जाएगी। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच लिया है और 250 ml पानी ले लिया है। तो इसे आप हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करिए और ऐसे ही करते जाना है आपको। इससे सिर्फ चींटियाँ भाग जाएगी, लेकिन अगर आप स्प्रे करना बंद कर दोगे तो दोबारा भी इस प्लांट पर चींटियों का अटैक हो सकता है। तो आप स्प्रे करते जाइए, लेकिन आप बार बार स्प्रे करना नहीं चाहते हो और चींटियों को भगाना चाहते हो तो बाजार में बहुत सी नीम ऑयल मिलती है, आप उसे ले आइए। तो ये मेरे पास है एक नीम ऑयल, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो इस नीम ऑयल को लेकर 25 से 30 बूंदे 1 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर प्लांट पर स्प्रे करिए तो चींटियाँ भाग जाएगी। ये आप 15 दिन में एक बार स्प्रे कर सकती हो, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस नीम ऑयल के स्प्रे करने से और भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो फल खाने आते हैं या पत्ते खाने आते हैं, वो भी इस प्लांट पर नहीं दिखेगा। तो इस नीम ऑयल को आप 15 दिन या 20 दिन में एक बार जरूर स्प्रे करिए, अपने चेरी प्लांट पे भी और भी जो प्लांट है आपके पास उस पे भी आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस चेरी प्लांट की और भी एक खास बात है कि इस प्लांट पर हर 15 या 20 दिन में फूल आती है और उस फूल से फल बनते हैं और उस फल को मैच्योर होने में कम से कम 15 दिन समय लगता है। और उस फल को मैच्योर होने के बाद जब उसको तोड़ लेते हो, उसके बाद फिर से उस प्लांट पर फूल आते हैं और फिर से फल बनते हैं। ऐसे करके कम से कम 8 महीने तक ये प्लांट फल देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फूल झड़ जाने के पीछे चौथी कारण ये है कि ये प्लांट बहुत ही धूप पसंद करती है। अगर ये प्लांट दिन में 8 घंटे धूप मिले तो इसके लिए अच्छा है। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जो पूरे दिन धूप मिले। तो आप इसे सेमी सेट में भी नहीं रख सकते या कुछ बड़े प्लांट की बगल में भी नहीं रख सकते, क्योंकि इस प्लांट पर उस प्लांट की छाया पड़ेंगे तो इसके लिए नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्लांट पर फर्टिलाइजर डाले थे, आप इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, फूल झड़ने के पीछे 5वीं कारण जान लेते हैं। चेरी प्लांट की फूल झड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आप उस प्लांट पर सही तरीके से पानी नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही मॉइस्ट पसंद करती है। हमेशा इस प्लांट की मिट्टी में मॉइस्ट बनी रहे, यही इस प्लांट की नेचर है। तो अगर इस प्लांट पर पानी की कमी महसूस हो तो ये फूल गिरा देती है, अगर फल हो तो फल भी गिरा देती है। तो इस प्लांट की ऊपर की मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए तभी आप इस प्लांट पर पानी डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, यही है
चेरी प्लांट के फूल झड़ने के पीछे कारण और उसकी केयर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए।